आज होने को शाम हो जाए मुफ्त लेकिन तमाम हो जाए, क्यों इकोनॉमी को ठीक करने में हर हुकूमत नाकाम हो जाए। भाई यही समझ नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह जी। कोट बहुत अच्छा पाया ना? इधर कोट तो अच्छा ही होता, लेकिन दो तीन दिन तो ऑन पाई है, असम छाया है। थैंक यू जी, जी। बड़ी गल है, कभी सीधा करके पा लेंदा कभी पुठा करके पा लेंदा। उन्होंने घर डाकू आए ने, डाकू कहते कढ़ दे जो कुछ है, तो उन्होंने जुआ कढ़न लग पिया। क्रिकेट में कौन फेवरेट है? कहते नुसरत फतेह अली खान। सर मैनू एक दिन आके कहिंदा कैसर भाई, अगर गल इज्जत दी ना हुंदी ते सड़क ते 50 दा नोट असल पिया सी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ लाए हुए हैं, MNA होते थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जनाब शाहिद अहमद खटक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नौरीजा चौधरी। वेलकम टू द शो जी। बातें हैं कि भूल भुला गई हैं, बातें हैं कि भूल भुला गई हैं, चिड़ियां सी चहचहा गई हैं, कलियां भी खिल खिला गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात में शाहिद साहब और नौरीजा जी आ गए। मैं ते यार सवेरे पीछे भजदा रहा वां नेरे पिछे, ते अगे कोई भी लगदा नहीं जे, अगे कोई भी लगदा नहीं जे, लगदे लोक बथेरे पिछे। वो अपनी मर्जी से जागता है, अपनी मर्जी से सोता है, अरे वाह वाह वाह, वो हर बात पे इतना क्यों रोता है। जिन जुल्फों की खावंद इतनी तारीफ करता है कैसर, वही जुल्फें सालन से निकल आए तो झगड़ा क्यों होता है। शाहिद साहब क्या हाल है आपके? कैसे सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया आए हुए? 4 साल मेरे ख्याल में हो गए। नहीं मैं लाहौर की बात कर रहा था। तकरीबन महीना हो गया। महीना हो चुका हुआ है जी। और कैसा रहा है कयाम आपका इस बार लाहौर में? अच्छा रहा है। क्या क्या देखने को मिला इस बार? अमूमन तो आप तौर पे को बंदा लाहौर आता है पूछते हैं कि आपने क्या क्या देखा। अमूमन तो यहाँ पे हम हलीम खाने आते हैं, मतलब डिफरेंट रेस्टोरेंट का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस दफा तवाज़ो कुछ अलग थी। टियर गैस थी हलीम की जगह, और इसके अलावा पुलिस बहुत ज्यादा थी, और हमने एक अलग लाहौर देखा जो देखना नहीं चाहिए था। जो नहीं देखना चाहिए था। लाहौर लाहौर है बिल्कुल। और अगर लाहौर में भी ये हालात जो पिछले 1.5-2 महीने से हैं ये चलते रहे, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और जब दिल प्यारा हो, दिल खूबसूरत हो, तो पूरा मुल्क आपका खूबसूरत होता है। पुलिस तो शैलिंग कर रही थी, तो उन्होंने कह रहे थे पुलिस वाले ने तुम करो शैलिंग, हम तो एंजॉय करने आए। अगर वैसे मुझे ये बताएं कि पता नहीं क्या बात थी, मैं खुद ही भूल गया। शैलिंग के आपको कभी इस तरह कोई हुआ है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कोई इस तरह आंसू गैस शेलिंग वगैरह कोई? नहीं नहीं मैं कभी जलसे में जाता ही नहीं इसलिए जी। अच्छा मैं तो आपके साथ नहीं जाता, पता नहीं कब लड़ाई शुरू हो जाए। मैंने बहुत देखा सर। अच्छा टेलीविजन पे मैंने बहुत टेलीविजन पे नहीं असल की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़े यार आप लोग जोर आदमी टेलीविजन पे देख के जख्मी हो गए। नौरीजा जी आपके सुनाए क्या हाल है? आई एम गुड हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? सम टाइम कितना कोर्सा हो गया इस टाइम टाइम को? 200 साल के लिए। इतना नहीं वो 150 कर। नहीं एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता। क्यों किस चीज में इतना बिजी रहती हैं? बस एक्चुअली शूट्स और फैशन में बस।
क्या मतलब 18 घंटे शूट ही शूट हो रहा होता है? मतलब कभी देखा नहीं ना, बहुत टाइम हो गया मुझे देखे। आप क्या देखती हैं? पाकिस्तानी ड्रामास। पाकिस्तानी ड्रामास? हाँ जी आजकल। अच्छा, और आपके कोई फेवरेट ड्रामे चल रहे हो आजकल? आजकल चल रहा है तेरे बिन, वो मेरा फेवरेट है। यस ठीक। और किसका काम पसंद आ रहा है आपको तेरे बिन में? वहाज का। वहाज का, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं वहाज। आजकल बहुत हिट है, बड़ा ट्रेंड कर रहे होते हैं और बड़ा पसंद करते हैं लोग वहाज की एक्टिंग को। वैसे आपका भी नाम बड़ा यूनिक है जी, उसका मतलब बताएंगे आप? कायनात की रोशनी। अगर जी दोंदे आए ने चैनल चैनल हो आए थे, चैनल वाले ने वो लाइट ठीक कराई है। बरेजा, ये आपकी हाइट बड़ी ऑब्वियस हमने देखा आते ही, कितनी हाइट है माशाल्लाह? 5'10" 5'10"? Yes. Wow. और आप ये अकेली ही ऐसी हैं या आपके खानदान के अंदर आमतौर पे यही पाया जाता है? हमारी फैमिली में है सब टॉल है। सभी टॉल है? सबसे ज्यादा टॉल कौन है? मेरे भाई। वो कितने हैं? उनकी ऑलमोस्ट 6'2"-3" है। माशाल्लाह 6'2"-3" उनकी है। और वालिद साहब के भी आपकी हाइट ज्यादा है? जी जी। हाइट का एक बड़ा एडवांटेज भी। और ये कितना अरसा हो गया आपको ये पाए तकमील तक पहुंचाए हुए? फुल लाइफ। फुल लाइफ में आप 5'10"? थी तो आप बड़ी स्टैंड आउट करती होंगी बाकी लड़कियों के मंग। यस। इनको मार भी नहीं पड़ती थी, टीचर कहती नहीं मेरे तो वड्डी है मैं कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ऐसा नहीं हुआ। भाई आपकी हाइट कितनी है? मेरे भी 11 है। 11? 5'11" होगी। 11 यानी कि मैं शॉर्ट कर बता रहा हूं। आपके से दोनों रेजा निकल आएंगे। आपने कहीं 9'11" नहीं कह दिया? नहीं, वो इनके साथ आजकल वैसे हुआ है 9'11 5'11 आपने कहा जी। और ये आपको शौक जो था कहां से हुआ मॉडलिंग का? मेरी फ्रेंड्स थी और कुछ फोटोग्राफर थे जिन्हें मेरी हाइट लुक्स जो है ना अच्छी लगी, तो उन्होंने ऑफर कराई मुझे। अच्छा ठीक है। एंड व्हाट डू यू एंजॉय मोर, स्टिल और रैंप? रैंप। रैंप आपको यकीनन बहुत एडवांटेज होता होगा वैसे भी। वैसे आपके साथ के जो लड़के भी इतने कद के ढूंढना मुश्किल होता है या हैं लड़के? बिल्कुल नहीं, नॉर्मली मॉडल्स टॉल हैं। अच्छा टॉल मॉडल होते हैं ये? 5'11" से लेके 6'2" 6'3" ऑलमोस्ट टॉल ही होते हैं। जबरदस्त दीदाजी भाईटे हैं। भाइयों में से किसी को, क्योंकि हाइट अच्छी है भाइयों की, वो बता दीजिए, भाइयों में से किसी को शौक है मॉडलिंग का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी हाइट है माशाल्लाह, बता रही हैं, सब अपने काम में बिजी हैं। आपकी वैसे कभी मुलाकात हुई है कभी? नहीं। वैसे पॉलिटिशियंस को मिली है कभी जिंदगी में? टीवी के अलावा देखा आपने कभी पॉलिटिशियन? बिल्कुल नहीं। तो पहले देख ले। नहीं तो पहले हैं आप, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने इनसे मुलाकात करनी जुमान पार्क जाए, छुप के यही बैठे होंगे। तो जुमान पार्क में तो और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे। हाँ वहाँ पे आपका चक्कर लगा वैसे कहीं? एक्चुअली मेरा लास्ट टाइम चक्कर लगा था जब काफी जमान पार्क के बाहर काफी ट्रैफिक थी, पुलिस थी। हाँ जी। तो मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ पे फंस गई थी। आपको पुलिस से काम था या? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा पर्सनल काम था। अच्छा पर्सनल काम, वैसे जमान पार्क में इस वक्त क्या होना इंसान का? दो ही पार्टी है, या इनसे काम है या उनसे काम हो सकता है। बिल्कुल नहीं। इमरान खान सबको तकरीर लेके देती है ना। वैसे आपकी पहली मुलाकात है शायद? बिल्कुल पहली मुलाकात। और ये क्या वैसे ही है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई डिफरेंट लग रहे हैं? पता नहीं, मैंने देखे नहीं है पॉलिटिशियंस। इमरान खान के अलावा मैंने नहीं देखा किसी को। ओए होए, खान साहब के अलावा कोई पॉलिटिशियन ही नहीं देखा? नहीं बिल्कुल नहीं। ले जी सारी पार्टी उन्होंने साइड पे कर दी आपकी, सिर्फ एक इमरान खान साहब कह सकते हैं। सर लोग मेरे खिलाफ ना आऊं तो खान साहब तो प्यारे ने वैसे शायद। देखिये मैं यही चेक करना था। लेकिन खान खान है ना, अगर आप कहते ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे तो टिकट नहीं सी मिली। आप भी शायद बहुत अरसे से पीटीआई के अंदर हैं, आई थिंक। मैं बचपन से तकरीबन पीटीआई में। बचपन से ही? कितना को बचपन था? 6 साल की एज से? नहीं इतना भी नहीं, मतलब जब से समझ आई तकरीबन 7-8 से, 2007-8। अच्छा 2007-8 से आप थे। और क्या ISF के अंदर थे? मैं ISF का था। ISF में थे और वहां से आपने पूरा ये दौर देखा है? मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी रहा, उससे पहले मुख्तलिफ ओहदों पे रहा, उसके बाद मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ही था जब मैं 2018 में इलेक्ट हुआ, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन था। वो पार्टी ने मुझे टिकट दिया अपने डिस्ट्रिक्ट से और अपने डिस्ट्रिक्ट के आवाम ने इतमाद किया और मैं इलेक्ट हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, तकरीबन 3.5 साल हम इक्तदार में बैठे रहे, अपनी कोशिश की अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आपको वैसे कोई है इंटरेस्ट पॉलिटिक्स का कभी हुआ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता वरना आप मॉडलिंग ना कर रही होती। आप कोई पार्टी के अंदर होती, मगर वैसे जनरली वोट वगैरह कास्ट करती हैं? अभी तक तो नहीं किया। अच्छा अभी तक नहीं किया, इंतजार कर रही है किसी का, किसको देना है? इमरान खान को। तो इमरान खान साहब तो मांगते फिर रहे थे वोट पिछली बार भी, आपने क्यों नहीं दिया? पिछली बार एक्चुअली मेरा रह गया था, लेकिन अब मैं जरूर करूंगी ना वोट। इस बार आप जाएंगी वोट डालने और आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ पर्स में जाए वोट, घर पे ना रह जाए। तो आप देंगी इस बार वोट? बिल्कुल दूंगी। जिस मर्जी को दीजिए, मगर दीजिएगा जरूर।
जरूर, जिस मर्जी को क्या इमरान खान को दूंगी मैं। अच्छा, इमरान खान साहब का फैसला हो गया है। हो गया सर, ये उनका फैसला देखें। और लाहौर से आपका वोट जी, और लाहौर से उन्होंने वोट आपने एक जीत लिया, आज आप जाके बता सकते हैं जमान पा खान साहब मैं एक वोट लेकर आया हूं। वोट आपने इमरान खान साहब को देना है, और जाते वक्त हमारा ये स्टूडियो सफेदी का है। बस मैं आप ही का इंतजार कर रही थी आप बोले। अच्छा, आपको पता था कि ये बोलते हैं। ठीक, और उसके अलावा? उसके अलावा कुछ इतना खास नहीं मुझे आइडिया ना। अच्छा, कुछ खास आइडिया नहीं था। अच्छा, मैं कह रहा हूं कुछ खास है नहीं उसके अलावा। आप बोलती नहीं है ज्यादा? मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ बोलना है वहाँ बोलती हूँ। आप कहाँ कहाँ बोलती हैं? मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए। ये वो वक्त है जहाँ पे आपको प्लीज बोलना चाहिए। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत वो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जल खुआरी हो रही है, वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक जी। नरेजा से एक बात पूछना चाह रहा था कि आपके जो ख्वाबों का शहजादा होगा वो आपकी तरह लंबा होगा या फिर हाइट कम भी हो तो चल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स टॉल होना चाहिए। ओए होए, चलो जी, पूरा स्टूडियो तो खाली हो गया। अच्छा, टॉल होना चाहिए, और क्या खासियत होनी चाहिए? क्योंकि दरअसल हम ना रिश्ते का भी काम करवाते हैं ना। ओके, तो इसलिए अगर पता चल जाए मुझे तो मेरे आसानी हो जाए। अब बताएं कैसा हो ख्वाबों का शहजादा, कोई आइडियल भी तो होता है ना आपका? बिल्कुल होता है। तो है कोई, बताएं। कोर्स टॉल होना चाहिए और हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम ओबवियसली, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। आपकी तरह होना चाहिए। आई लव यू पीटीआई, जिंदाबाद। हाय हाय, वोट पक्का। सारे वोट इसी तरह आपने पक्के किए। अच्छा जी, टॉल होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, तो शोबिज़ में ही होना चाहिए या बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं, शोबिज़ का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल मेरा माइंड नहीं है उस साइड पे। किस तरह से टीवी ले आओगी? परेशानी क्या मसला है? जितनी हाइट है इतनी ऊंची सोच नहीं जानती। आप किस चीज के बारे में सोचती हैं? अपने करियर के बारे में फिलहाल सोच रही हूँ। और आप करियर में और क्या करना चाहती हैं? Where do you want to be? अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक्टिंग की तरफ मूव करूँ। अच्छा, बिल्कुल, ये तो हम भी काफी साल से सोच रहे हैं। आपको कोई इसका तरीका समझ आया कैसे करें अगर एक्टिंग करनी हो? या कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे लिस्ट में। नहीं नहीं, ये कौन सी लिस्ट है? ये लिस्ट कहाँ से मिल सकती है हमें? आपको भी चाहिए? क्यों, हमें क्यों नहीं चाहिए? मुझे नहीं लगता आपको चाहिए, माशाल्लाह। नहीं, आपकी सोच है, आप अच्छा काम कर चुके हैं। अगर मुझे लिस्ट ना चाहिए तो मैं यहाँ बैठा होता। ये आपकी जगह है ना, इधर भी आपको होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए, यहीं भी होना चाहिए। आप अभी से प्रोफेशनल जेलसी पे उतर रहे हैं। काम एक तरफ और मुज़ाकरात दूसरी तरफ। एक तरफ और दूसरी तरफ, बात खत्म कर दी शायद भाई ने। बिल्कुल, मुज़ाकरात की शान ही आपकी वजह से है। एक गल की तो मैं दिलों की तीन दी। अच्छा, तो आपको एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल। और क्या, किस चीज में एक्टिंग? ड्रामों में, फिल्म में, थिएटर में, किधर करना चाहिए? कहीं भी मिल जाए। नहीं, फिर भी कोई प्रेफरेंस? ड्रामे में। ड्रामे में किसके साथ एक्टिंग करना चाहिए? अब मैं टॉल हूँ तो मैं किसके बारे में सोच सकती हूँ? लेकिन मोहित मिर्ज़ा के बारे में सोच। लेकिन नाइस, मुझे वो वहाज बहुत पसंद है। ये वहाज थोड़ा अगर पिक्चर हो दिखा दे, ये वहाज बड़े जबरदस्त एक्टर है। अच्छा, आजकल उनके ड्रामे बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, दो तीन। अच्छा, मैं दो दिन पहले देखे वहाज, कोई वीडियो चल रही थी उसकी। बिल्कुल वही वाला वहाज के साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगे? बिल्कुल। ठीक है, और कोई खास जॉनरा भी आपके जहन में है? नहीं, कोई नहीं है। किस किस्म का ड्रामा हो वो? आजकल जो चल रहा है बहुत हिट है। क्या चल रहा है? ये तेरे बिन ड्रामा। नहीं, वो तो बन गया ना तेरे बिन, अब क्या मेरे बिन? नहीं, अभी डिफरेंट कुछ होना चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा ड्रामा करना चाहेंगी? कुछ अच्छा, कुछ रोमांटिक। अच्छा, कुछ रोमांटिक सा, जो पहले कभी ना चला हो। जो पहले कभी ना चला हो? बिल्कुल। आपने कभी ये जहन में आया कि कोई वजह होगी जो पहले नहीं चला? नहीं, ऐसा कुछ जहन में नहीं आया। ऐसा भी कोई ड्रामा है जो पहले चला हो पर बाद में भी चला हो? बाकी ना चला हो। एक्चुअली स्क्रिप्ट होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। कितनी डिफरेंट? आजकल ये तेरे बिन वाला ड्रामा जो है इसमें बहुत डिफरेंट जा रहा है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। अब ये वाला तो हमने नहीं करना भाई, वहाज हो गया, अब इसके अंदर इस्तेमाल हो चुका है वहाज, तेरे बिन वाला। हमें नया वाला वहाज यूज करना, नया वाला। आप कोई लिखेंगे ना स्क्रिप्ट? तो कोई क्या, कोई ट्रायंगल हो, लव ट्रायंगल हो, कोई रोमियो एंड जूलियट टाइप कहानी हो, कैसी हो? ये तो चलता रहता है ना कुछ। अच्छा, ये भी चलता रहता होना चाहिए। शेक्सपियर को रखवा दिया आपने। ठीक है, तो अब आप बताएं कैसी होगी कहानी? मैं क्या एक्सप्लेन कर सकती हूं? कुछ कर दे प्लीज। ऑब्वियसली जो लिख रहा है उसे पता होगा ना। आपने कहा रोमियो एंड जूलियट टाइप भी नहीं होना चाहिए, लव ट्रायंगल भी नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए थोड़ा सा। फिर तो बिरयानी बना लो थोड़ी सी। नहीं, मगर मिक्स किसका, किसका मिक्स होना चाहिए? आपने इतने नए
टैलेंट को प्रमोट किया है तो अपने साथ ही किसी ड्रामे में प्रमोट कर। मैं नहीं वहाज है सिर्फ यहाँ पे अभी कोई वहाज अली होंगे इस वक्त, तो वहाज के साथ हम ड्रामा कर रहे हैं और कोई एक्टर नहीं है इस वक्त सामने खड़ा। लव स्टोरी एक्शन सर, एक्शन हो कोई वो एक्शन में अच्छे लग रहे हैं आज। वो अच्छा वहाज एक्शन में अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो रोमांटिक सा हो, गाना गाए, सारी सीढ़ी से गिर जाए, एक्शन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं, तुसी तो चल जाना वहाज ना साडी दुश्मनी पै जानी। नहीं वहाज से बड़ी थी वो, वहाज को मैं बताऊंगा बल्कि ये एक आई थी वो कह रही थी कि वहाज के साथ एक्शन वाला कोई ड्रामा होना चाहिए, रोमांटिक भी हो एक्शन भी हो और कोई बता दे चीज डालनी अंदर बता दे। देखे हम 4 बजे के बाद इफ्तारी तैयार कर सकते इतना ही होता है। अभी जो चाट में डालने बता दे हमें कौन कौन सा मसाला है। बस इतना ही मसाला ठीक है, बस एक्शन होना चाहिए और वो हो। वैसे आपको है शायद भी कोई कोई देखने दुखने का शौक है ड्रामा फिल्म? हाँ देखता हूँ लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया कि नहीं देखा। अच्छा कौन सा आखिरी देखा? पीडीएम की वापसी। बहुत देखे नाम भूल गया हूँ लेकिन देखता हूँ। अभी कोई एक्टर वगैरह पसंद है, एक्टर एक्ट्रेस? मुझे आप पसंद है। अब मुझे समझ आया आपने ड्रामे देखना क्यों बंद कर दिया। वेलकम बैक नौरीजा, ये बताएं ये मॉडल बनने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं इंसान को? अच्छा मेकअप बोलने दो, जिन्होंने हमें बताना है कि कैसे बनना है हमने मॉडल। टॉल होना चाहिए आपको, गुड लुकिंग होना चाहिए, बहुत जरूरी है टॉल होना। और अगर टॉल ना हो तो नहीं बन सकते? नहीं आजकल तो यू नो छोटी छोटी हाइट चल रही है। अच्छा लेकिन मॉडल के लिए आपका टॉल होना चाहिए। टॉल होना चाहिए और उसके अलावा शक्ल मैटर करता है, फीचर्स कैसे होने चाहिए? मॉडलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्यों नहीं? टॉल तो है ना, ये तो अक्सर टॉल प्लाजा पे पकड़े होते हैं। कर सकते हैं। आप बताइए जी फीचर्स कैसे होने चाहिए? जैसे होते हैं मतलब गुड लुकिंग होना चाहिए इंसान। अच्छा अकरम भाई हो सकता है? महंगाई महंगाई हो गई है। मैं सर 1000 रुपये बच्चे नु दे, छोटिया छोटिया दो चीजा मंगाइए, 1000 रुपये मुक जांदा। कहंदे ने कम इलमी है तुम्हारी, वो बच्चे जेड़े ने ना वापसी तो तुहानू बकाया नहीं देंदे। आटा नहीं फ्री तकसीम करना, लोकां दीआं दुआवां नहीं लैणीआं। ते मैं कहा सर तुसीं क्या कपड़े वेच के आटा देंगे? बस कहिंदा समझ लो वेच गए ने। चल कहते मेरे नाल उ बद नजमी होंगी है। okay. जेडे कपड़े मैं वेच के देने सन वही कपड़े लोग खिंच लेंगे ने। हाँ। मैं क्या सर जी मैं थोड़े नाल हाँ, मैं जोगी दे नाल नाल गए उत्थे पहुंचे नाला। बड़े बंदे परेशान यार, बेचारे बेहोश हो जाते हैं, डिग पैंदे ने, एक दूए नूं धक्के देंदे ने। जाहिर है आटा जो लेना हुंदा है। ते मैं क्या सर वैसे आपस की गल है, आटा सस्ता कर देइए ताकि लोग बाइज्जत तरीके नाल आटा लैन। कहंदे ने पुत्र अगर सस्ता कर देइए तो फिर फ्री कित्थों देइए। मैंने कहंदे ने तुम गैर सियासी हो, जब तुम रिटायर हो गए सियासत में आओगे तो तुम्हें ये बातें पता चलेंगी। ओके। मैं कह जी मैनू की लोड़ है रिटायर होने की, मैं 100 साल पुलिस च रहांगा। ओ माशाल्लाह 77,181 सॉरी मेरे दिमाग च वोट फिर रहे ने। अच्छा। ने वोट ले 77,181 मैं आज तक याद है। ओके। माशाल्लाह MNA yes. नाले ISF दे प्रेसिडेंट सन जदों। हाँ। ते कौन नाल सी? कौन नाल मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू ऑफ कोर्स मैं नाल सां ते मैनू पता हैगा। अच्छा। पूरी इलेक्शन दी कैंपेन कल्ले मैं कीती है। हाँ। कोई बंदा और मिले नहीं। हाँ। ना कोई उत्थे वोटर सी, पता नहीं कित्थों पए ने 77,000 लोगों ने पाए ने। अगे माशाल्लाह बरजाई भी लड़ रही है इलेक्शन। कौन बरजाई? बरजाई ने MPA बनना। अरे वो भाईजन MNA बनेंगे, उसके बाद बरजाई MNA बनेगी, भाईजन वफा के जानेंगे। वो साथ नहीं आई।
अच्छा जी किसमें अलायदगी हुई? नहीं अच्छा मतलब है ही नहीं जी, यानी कोई गल ही नहीं हुई, नहीं मंगनी और कुछ भी नहीं ऐसा? अच्छा जी नहीं, माड़ी गल है सर, इस तरह ना कराया करो भाई, देखो ना जिंदगी नाल नाल गुजारनी चाहिए है। तो अपने माँ प्यो छड़ के आ जांदी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा मैडम ने मैं किधर देखा है जी? ओ नो जी हां माशाल्लाह इन दे बड़े नामवर मॉडल ने नौ रेजा जी। हां जी माशाल्लाह जी, ऐसे पाकिस्तान दे विच हो रही है जी अपना मॉडलिंग वगैरह हो रही है जी जी बिल्कुल। हां नहीं इवेंट घट ही होंदे ने आजकल, हां हालात खराब ने ना सर, हालात डाउन जा रहे हैं। आज जदों तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं ना बनेगी कोई काम नहीं हो सकता। वाह बस आ रहा नहीं इमरान खान साहब। अच्छा कि तू इलेक्शन होणगे ते आउणगे, मैं तैनू कुछ नहीं कहना, जिन्ने तैनू भर्ती कीता मैं उत्ते परचा कराउणा। पहले भी 48 परचे ने जी, तर एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि मैं ताकि दस सकां कि मेरी थोड़ी मुलाकात हो गई है और तुसी बाहर रह गए हो, पिछे छापा मार दे। कैन आई हैव ए वन सेल्फी प्लीज बिकॉज नाउ आई एम ऑन अ सोशल मीडिया। इन अफसर ने की अच्छा जी थाने च मुंशी ना लड़ाई हो भी ते 15 ते कॉल कर दित्ती। उत्तर हर चीज कानूनी होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए भी इन्हें बदतमीजी की थी। 15 के उत्ते तहरीर होंगे और ऑडियो रिकॉर्ड होंगी है, लीक नहीं होंगी सर। वेलकम बैक जी, आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर शहजाद है और शाह साहब मेरा सवाल आपसे है कि बिलियन ट्री सुनामी और सेहत कार्ड के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपको केपी में दोबारा हुकूमत मिल सकती है? केपी में बहुत काम किया हमने पिछले, जब हमारी लास्ट हमारी गवर्नमेंट थी, फिर अभी हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब जब थे। इसके अलावा वहाँ पे IT के ऊपर KP गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। वहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग सिस्टम है वो तमाम ऑनलाइन हो गए हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने हमारे किए कि इंशाल्लाह KP के लोग जो है वो हमें वोट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया KP के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल्स आप जाके देख ले, सिर्फ सेहत कार्ड के अलावा वहाँ पे अभी जो है तकरीबन 3-4 बड़े हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट में बने, वो अभी जो है चल भी रहे हैं, लोगों का उसमें इलाज भी हो रहा है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने KP में बड़ा डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो है वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ बनाई है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी गवर्नमेंट ने। तो बहुत से ऐसे काम शॉर्ट टाइम में जो हमारी हुकूमत ने किए जिसकी वजह से KP के लोग जो है हमें वोट करेंगे। ओके जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रजा है और रिजा मेरा क्वेश्चन आपसे है, मॉडलिंग से तंग आकर कभी मॉडलिंग क्विट करने के बारे में सोचा है? तंग तो खैर हम नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़ा सोच रही हूँ। सोच रही है जी? क्यों हमें आप इस तरफ लगा खुद निकल रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। लड़का भेजने लगे हैं, आपकी जगह छोड़ी है ना मैंने। आपने कितनी कुछ सुनाना, लगा जगह छोड़ी है हमारे लड़के के लिए, मगर ये क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं अब एक्टिंग में आना चाहती हूँ। अच्छा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मॉडलिंग कर ली बहुत, 7-8 इयर्स हो गए मुझे तो अभी ये आगे आ जाएंगे ये। अच्छा तो आपने इसलिए कहा था कि इनको वो आपका नंबर भी दे दिया? मैंने इनको बोला कि आप कर सकते हैं, अजीम सानी का आपने नंबर दे दिया इनको। और अच्छा तो आप यानी कि छोड़ रही हैं मॉडलिंग? छोड़ नहीं रही, सोच रही हूं कभी कभी करेंगी, सोच रही हूं। और वहाज के अलावा भी कोई एक्टिंग किसी के साथ आपको है करने का शौक? नहीं फिलहाल वहाज, सिर्फ वहाज ही हैं। अगर वहाज ना हो तो आप एक्टिंग नहीं करेंगी? तो वहाज की हाइट क्या है? तुसी ओदा सोच सी ना, तो आप करेंगी या नहीं करेंगी? ऑफ कोर्स स्टार्टअप लेने के लिए आपको करना पड़ता है ना, मगर एवेंचुअल जो आपकी मंजिल है वो वहाज है इंशाल्लाह। ओए होए, ये देखे टारगेट होने लगा है, वहाज जो है वहाज तक पहुंचना है। उन्होंने कहा बीच में जिसके साथ भी करनी पड़ी एक्टिंग कर दूंगी। ऑब्वियसली ठीक है वहाज, आप तैयार रहिएगा जब कभी भी आप तक पहुंच गई है। सर 2020 का सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा आपसे, ऑप्शन दूंगा, टिकट ना खराब कर देना। नहीं थोड़े इसको, यहाँ पूरी पार्टी खराब हुई है आपको। तो जब तक टिकट का मामला आएगा मुझे लगता है वैसे ही तब तक सॉल्व हो जाएगा। तो 2020 है, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, नरीजा आपने उसमें से ही अपना जवाब चूज कर रहे हैं। कहीं पर लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी, पहले कौन खेलेगा आप में से बताइए?
वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप बैठे हुए चले जी, आप आगे हो शाहिद साहब। अब ये बताइए, एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज। या अल्लाह खैर। बायोग्राफी पढ़नी है बिलावल, ठीक है, बिलावल की, ठीक है। ये बताइए इनमें से किसकी तकरीर को टीवी पर चल रही है वो, किसकी तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप म्यूट ही कर देंगे, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान, जनाब मुराद रास और जनाब मियां असलम इकबाल। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मियां असलम साहब जैसे संजीदा इंसान हैं। किसकी एक बार सुनेंगे? फयाजुल्ला चौहान की। और किसकी आ रही है तो म्यूट कर दी? बस आखिर में जो मुराद रास, एजुकेशन मिनिस्टर आपके जो थे। ये बताइए चांद पर जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जियाउल्लाह बंगश और तैमूर झगड़ा। दोनों भाई है मेरे। तो ही पूछा था भी हमने यही इसी किस्म का सवाल। तैमूर जो है थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, वो कोई रास्ता निकाल लेगा वो करेगा, तो जियाउल्लाह मेरी तरह सीधा साधा बंदा, उसी को नीचे उतार देगा। ठीक है, तैमूर साहब हो गए वो। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम है, डॉक्टर साहिबा जो है चूंकि वो सीनियर है। बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा हो गई। डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस है महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब। बड़ा खतरनाक है, दूसरी तरफ जाए, दूसरी तरफ चले गए हैं वो। ये बताइए वो कौन सी गाड़ी है जिसे हेलमेट पहनकर चलाया जा सकता है? सिर्फ गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, नहीं गाड़ी प्रॉपर चार टायरों वाली गाड़ी जिसको चलाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है। होंडा, किसी को छत हटाने जिसपे छत ना हो हेलमेट डाल ले आप। नहीं 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 सर, होंडा की नहीं, आप होंडा वैसे भी चला सकते हैं। आप चाहे तो अपने सवाल है वापस जा सकते हैं। नहीं, इसमें ऑप्शन दे देना, इस गाड़ी में इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन के बगैर वाले है, जनरल नॉलेज तो सीधा सवाल। तो बस जो मैंने जवाब दिया बस ठीक है, समझ लिया। उधर एक और ऑप्शन डाल दूं आपके आसानी के लिए? नहीं, उसमें भी आपने मुश्किल वाला ही डालना। नहीं नहीं, बड़ा आसान वाला होगा, उससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? चलो उसमें आसान वाला डाल लेते हैं। उसमें आसान वाला के किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट आप? ऑप्शन थे महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब। मैं तीसरा ऑप्शन डालता हूँ, महमूद खान साहब, परवेज खटक साहब या नौरीजा चौधरी, इन्हों को दे दूंगा। उधर मुश्किल है, उधर मुश्किल है। देखिए नौरीजा, आपको पता है आपने क्या किया? नहीं, वो दरमियान वाला रास्ता इख्तियार कर, नहीं वो आपने तो कर दिया है, मगर आपको पता है कि उन्होंने आपके जो आपको दिया लाइफ जैकेट, इन्होंने किनको नहीं दी? नहीं, मुझे नहीं आईडिया। दोनों जो है वो एक्स चीफ मिनिस्टर है के खैबर पख्तूनख्वा के। सोचे जरा, पीटीआई के, और इन्होंने आपको दी है। बताइए नौरीजा साहिबा, एक बायोग्राफी आपने भी लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब कायम अली शाह और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, इसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? वहाज के साथ। नहीं, नहीं, गलत जगह वहाज ना डालें। फवाद खान सेल्फी, हाँ जी। स्माइल किनको दे रही हैं? कौन थे दूसरे? हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। डिफिकल्ट, हमजा अब्बासी को बोलूंगी आप जा सकते हैं, फ्लोर से चले जाएं, और स्माइल है हुमायूं सईद के लिए। हुमायूं सईद के लिए, ठीक है। मैडम ये बता दीजिए कि चांद पे जा रही हैं, किसी एक को छोड़ कर आना है आपने ऊपर, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं फहद हुसैन और नौमी अंसारी। नौमी अंसारी को तो बिल्कुल नहीं कहीं छोड़ सकती, ठीक है, तो फहद हुसैन को छोड़ दें। बिल्कुल फहद हुसैन को, फहद हुसैन को हमने छोड़ दिया। ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद, शेख रशीद साहब होंगे वो जो टाइटैनिक के। मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज़ आपके फ़ोन या आपकी अलार्म क्लॉक के अंदर सेव कर दी जाएगी, बाकी सारी ज़िंदगी जब भी आप उठेंगी सुबह तो वही साउंड जो है आपको अलार्म के तौर पे उठाएगी, किसकी आवाज़ सुनना चाहती हैं उसमें आप? बिलावल भुट्टो या मुराद सईद? बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल नहीं। तो मुराद सईद। बिल्कुल मुराद सईद, मुराद सईद हो गए वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खटक साहब और वहाज अली।
क्यों डबो रहे हैं? हो सकता है वो मेहमान आए हुए, शायद वो कुछ ख्याल कर ले, क्या पता मैं क्या पता। बहाज को वैसे शो बड़ा पसंद है, बड़े शौक से देखते हैं। इस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करने वाली, बहाज को ही दूंगी मैं। होए शायद भाई इन्हें मैं सॉरी कह सकती हूँ, इन्हें मैं सॉरी कह सकती हूँ, उसको नहीं कह सकती बहाज को सॉरी, बिल्कुल नहीं। और हम आपको थैंक यू नहीं कह सकते। देख लें उन्होंने क्या आपके लिए अपने दो चीफ मिनिस्टर को दी नहीं दी थी, आपने एक बहाज के पीछे, बस क्या कह सकते हैं हम। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। नोरेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।